देखिए आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम खेल मैदान में हुआ, ये कल भी सोशल मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने मुझसे पूछा था, तभी मैंने कल कहा था कि जब तक कार्यक्रम हो ना जाए इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। आशंकाएं हमको पहले से थी, क्योंकि जिस तरीके से इनको बुलाया गया था, हमारे अब उनको आप नवनियुक्त नाम दे रहे हैं, पर नवनियुक्त नाम मैं कैसे दूं जिनको 11 महीने हो गए भर्ती हुए, 8 महीने हो गए, 6 महीने हुए, पर जो 6 8 महीने 11 महीने से भर्ती हमारे शिक्षक थे उनको यहाँ पर प्रशिक्षण के नाम पर बुलाया गया था। इसमें मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें जो गलती हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश पर हुई है या माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को तोड़ मरोड़ करके अधिकारियों ने प्रस्तुत किया भ्रामक रूप से और हमारे साथियों को भ्रमित किया। क्योंकि मैं जिस भी साथी से बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि भाई साहब देखिए हमको तो बिना कुछ किए सम्मान से बुलाया जा रहा है और बुला के हमारी परीक्षा अवधि खत्म की करके हमको पूरा वेतन देने की बात की जा रही है, हमारी परीक्षा अवधि जो 5 साल की थी उसको कम किया जा रहा है और हम इसके लिए जा रहे हैं, पर जो नाम आ रहा था वो प्रशिक्षण का आ रहा था। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग अधिकारियों ने फैलाई या शासन की ऐसी मंशा थी, ये अभी हम तब तक अभी कल तक कुछ नहीं कह सकते इसमें जब तक ये बात पूरी खुल के सामने ना जाए। पर जो भी वहाँ हुआ वो निराशाजनक था, क्योंकि मैं खुद उस कार्यक्रम में वहाँ की स्थितियाँ देखने के लिए अपने साथियों के साथ, मेरे साथ मेरे कार्यकारी अध्यक्ष भाई उपेन जी कौशल, मेरे महासचिव जितेंद्र साक्षी जी भी थे, हम लोग वहाँ जब गए और मैंने अपने साथियों से वहाँ बात की तो वहाँ दो स्थितियाँ देखी। एक तो पंडाल के बाहर लोग बैठे थे, उस बीच में 2 बार पानी गिरा, मेरे साथी भींग रहे थे वहाँ पर, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए बैठी हुई थी, कुछ हमारे दिव्यांग साथी भी थे जो वहाँ पर थे, वो सब परेशान हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा की तरह लगभग 1 घंटे का भाषण भी चला, काफ़ी लोग लुभाना था, तालियां भी खूब बजी। पर जब वहाँ पर भोजन वितरण की स्थिति आई कार्यक्रम के बाद, वो जो भगदड़ मची, जिस तरीके के लोग पैकेट फेंकते पाए गए वहाँ पर और पैकेट के लिए परेशान पाए गए, वो भी बड़ा दर्दनाक सीन था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अव्यवस्था तो थी, अब यही काम किसी शिक्षक ने किया होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, पर हो सकता है बड़े अधिकारियों ने किया है तो उस बात को शिक्षकों की अनुशासनहीनता मान करके ख़त्म कर दिया जाए। फिर भी जो भी था वो, पर जिस उत्साह के साथ शिक्षक अपने अपने ज़िलों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके आज भोपाल आया था, वो कहीं ना कहीं निराश होकर के गया है। इसके लिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कि यदि उनकी भावनाओं को, उनकी बात को जो अधिकारी सही ढंग से ज्यों की त्यों नहीं पहुंचा पाए शिक्षकों के पास, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में कभी भी हमारे किसी शिक्षक के साथ इस तरीके का बर्ताव ना हो जो आज उनके साथ हुआ है। अच्छा, ये इसमें आपको, आपकी कुछ शिक्षकों से बात हुई है क्या? नवनियुक्त जो शिक्षक आज आए थे, क्या उन लोगों से बात हुई है? जो घोषणा वाली बात हो रही है इसमें क्या प्रतिक्रिया है हमारे शिक्षकों की? हाँ, मेरी बात हुई जब हम सुबह वहाँ पहले पहुँचे लगभग 1 बजे के आसपास, उस समय जो शिक्षक कुछ बाहर घूम रहे थे, बहुत से अपरिचित थे उनमें से, उनसे मैंने पूछा, हो सकता है मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम जानते हैं, उनने बताया कि सर हम फला जिले से आए हैं, नाम लेना उनका उचित नहीं होगा कहीं उन पर कार्रवाई ना होने लगा, सर हम यहाँ आए हैं तो कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है, बताइए हम लोग अभी 6 8 महीने साल हुए भर्ती हुए, 1 साल नहीं हुआ और हमको इतना कुछ मिलने जा रहा है आज। और वही शिक्षक जब कार्यक्रम के बाद निकले तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि वो, मैं क्योंकि ये मीडिया का मामला है मैं उसको अब शब्दों से नहीं कह सकता, जिस तरीके के शब्द प्रयोग में ला रही थी कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, हमको कैसे तरीके से बरगला के लाया गया। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, ट्राइबल मिनिस्टर भी वहाँ थी, उनसे भी अपेक्षा करूँगा कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे जिनने गलत मैसेज कन्वे किया शिक्षकों तक और उनको बेवजह का अतिउत्साह में भरा, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये धोखा ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल शिक्षक दिवस है, कुछ आशा करते हैं आप सरकार से? देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, हमारी भर्तियां सन 1994-95 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रारंभ हुई थी, 1998 में हम शिक्षा कर्मी बने, उसके बाद गुरु जी और संविदा शिक्षक भर्ती हुई। ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे संवर्ग को प्रारंभ में जो कुछ भी मिला वो माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा ही दिया गया था, जब हमको 2007 में कर्मी कल्चर खत्म करके अध्यापक बनाया था वो शिवराज जी थे, हम उसके लिए उनके आभारी हैं। पर उसके बाद जो स्थितियां आईं वो बड़ी निराशाजनक थी, क्योंकि हमारे जो अचीवमेंट कहिए हमारा, हमको जो मिला वो हमको केवल 2007 का वो अध्यापक संवर्ग था जिसमें हमारी वरिष्ठता ही मिली, एक सम्मानित नाम मिला, एक सम्मानित वेतनमान मिला, पर इसके बाद जो ने अभी 2018 में हमारे साथ किया,
कि हमारी शिक्षा विभाग की मांग शुरुआती दौर से थी 1995 से कि हमको शिक्षा विभाग मिले, हमको शिक्षा विभाग मिले, पर हमने शिक्षा मूल शिक्षा विभाग में हमारा संविलियन करने की जगह हमको राज्य शिक्षा सेवा एक नया प्रकोष्ठ गठित किया और उसमें हमको नियुक्ति दी। वहाँ तक भी ठीक था, ठीक है आपने किया होगा, कोई मजबूरी होगी, अब उसके बाद उन्हें हमारी 18 साल 20 साल 24 साल की वरिष्ठताओं पर लगा दी। मैं आज आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि 2013 में जब राज्य शिक्षा सेवा का गठन हुआ उसमें जो अफसरशाही आई वो अधिकारी उसके बाद 2013 से अभी 23 नहीं आया, दो बार प्रमोशन ले चुके, पर जो छोटा शिक्षकों का मामला है वो जब राज्य शिक्षा सेवा में आया तो उसकी क्रमोन्नत तक के लाले पड़ गए, ये उचित नहीं था। आज भी सुनने में आ रहा है कि फिर वही हो रहा है, मैं तो मानवता का उपासक हूँ, मानवता से केवल अनुरोध करूँगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे, उनके जो अधिकारी हैं योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले उनको सद्बुद्धि दे। कल शिक्षक दिवस का दिन है, हमारे लिए बहुत सम्मानित दिन होता है, साल में एक बार आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सहृदयता के लिए जाने जाते हैं उसका वो परिचय दें। हमारी जो वरिष्ठता का मामला है मध्य प्रदेश के अंदर वो वरिष्ठता हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य हो, ऐसी उनके द्वारा घोषणा हो, हमारे जो नए शिक्षकों को जो प्रलोभन दे के बुलाया गया था उनकी उस बात को मान्य की जाए। पूरे मध्य प्रदेश कि तो छोड़िए आप, हिंदुस्तान में इस समय एक बात चल रही है पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली की, उस पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो भी वो कदम उठा सकते हो वो कदम सार्थक कदम उठाएं, हमारे साथियों को वो प्राप्त हो। जो हमारे साथी दिवंगत हो गए हैं उनके आश्रितों को 30 दिन के अंदर कंपा नियुक्ति मिले। और फिर एक बार कह रहा हूं कि हमारे यहां जो ट्राइबल एजुकेशन की अलग अलग व्यवस्था है उसको एक किया जाए, केवल एक विद्यालय हो एजुकेशन की, और बार बार का बेसिर पैर का नवाचार शिक्षा विभाग में बंद हो, शिक्षक को स्वस्थ मानसिकता के साथ पढ़ाने दिया जाए। क्योंकि मेरे संगठन का, शासकीय शिक्षक संगठन का उद्देश्य भी है, संकल्प भी है, हमारा ये मोटो है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षालय और शिक्षक चारों का जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक हम शिक्षा को ऊंचे पायदान पर ले जाने में सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार पुनः आपके माध्यम से कल आने वाले शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद आपको।